अनम आपकी दोस्त और होस्ट। नमकीन तो हम सब लोग अक्सर बाहर से लाकर खाते ही हैं, लेकिन उसी नमकीन में काफी सारे केमिकल्स और कलर्स मिले होते हैं जो काफी अनहेल्दी होते हैं। तो आज हम बनाएंगे फलाहारी नवरत्न नमकीन। बात जब व्रत की आती है, आपके फास्ट की बात आती है, तो आप शुद्धता को लेकर और भी ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और उसके साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए मेरे साथ, मैं आज बनाऊंगी फलाहारी नवरत्न नमकीन, वो भी स्टेप बाय स्टेप। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को थम्स अप दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी मेरे साथ। फलाहारी नमकीन बनाने के लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज आलू, कुछ मखाने, 100 ग्राम खरबूजे की मीन, 100 ग्राम मूंगफली दाना, 50 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम काजू, 1/4 नारियल का टुकड़ा जिसको हमने बारीक काट लिया है। इन सभी ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम देसी घी। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 टीस्पून सेंधा नमक, क्योंकि हम ये व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए हम ये रेगुलर नमक यूज नहीं करेंगे। 1/2 टीस्पून टाटरी पाउडर, 1.5 टीस्पून शुगर पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और कुछ करी पत्ता लीव्स। अब हम आलू को कद्दूकस करेंगे। यहाँ मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है, इसमें मैं आधा नींबू का रस डाल रही हूँ। इसको डालने से हमारे लच्छे काले नहीं पड़ेंगे। अब हम कद्दूकस करते हैं। आलू के लच्छों को अब हम एक कॉटन क्लोथ पर रख देंगे जिससे कि इनका सारा पानी सूख जाए। बाद हम इसको फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है, यहाँ हमने घी गरम करने के लिए रखा हुआ है। घी गरम हो चुका है, अब हम अपने लच्छा इसमें फ्राई करेंगे। फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकालेंगे। अब हम अपने ड्राई फ्रूट्स ड्राई रोस्ट करेंगे। खाने रोस्ट करेंगे। मूंगफली दाना रोस्ट करेंगे। बादाम रोस्ट करेंगे। काजू रोस्ट करेंगे। अब खरबूजे की मीन और करी पत्ता, खरबूजे की मीन ड्राई रोस्ट करेंगे। ये रोस्ट हो चुके हैं, अब इन्हें एक प्लेट में निकालेंगे। यहाँ हमारा सब सामान रोस्ट हो चुका है, अब इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद अपने स्पाइसेस इसमें मिक्स करेंगे। अगर गरम में मिक्स करेंगे तो ये सब सील जाएगा। थोड़ी देर तक इंतजार करते हैं। ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो चुके हैं, अब हम अपनी नमकीन तैयार करते हैं। इसमें डालेंगे आलू का लच्छा, काली मिर्च पाउडर, शुगर पाउडर, टाटरी और सेंधा नमक। हम करी पत्ता क्रश करके डाल देंगे जो हमने अभी फ्राई किया। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि इसमें 9 चीजें पड़ी हैं इसलिए इसका नाम है नवरत्न फलाहारी नमकीन। ये व्रत में बहुत एनर्जेटिक है,
क्योंकि सारी चीजें इसमें एनर्जी से भरपूर हैं। बाहर से मार्केट से जब हम कोई चीज लेकर आते हैं तो हमें पता नहीं होता है वो किन हाथों से बनी है, किस तरह से बनी है, क्या क्या चीज उसमें इस्तेमाल हुई है, शुद्ध है या नहीं, लेकिन ये पूरी तरह से शुद्ध है। आप इसे घर पर जरूर बनाइएगा। अब ये हमारी नमकीन पूरी तरह से तैयार है। इसे आप व्रत में चाय के साथ या सिंपल ऐसे भी खा सकते हैं। इसे आप एक एयर टाइट जार में बंद करके रखें। इसमें हवा बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। ये बहुत लंबे टाइम तक आप कंज्यूम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये नमकीन है बनाना बहुत ही आसान, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। आपको मार्केट से लाई हुई अनहेल्दी नमकीन खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अब, क्योंकि आप इस नमकीन को रख सकते हैं महीनों तक स्टोर करके भी एक एयर टाइट कंटेनर जार में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, सी यू।